इसके साथ करने वाले प्रैंक। प्रैंक कौन सा? मैं लेके आया हूँ दही खाने। मोए 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 इतमाद में लेके फिर मारना चाहिए। मैंने 2-3 चम्मच मैंने खिलाए दही के, बहुत मजा आया शक्कर के साथ। मुझे बड़ा कह रही थी मेरे तो करना प्रैंक है। सादु के साथ शादियाँ करती है तुम्हें, तीसरे हमने तेरे को पूछ लिया है भाई। जो कोई बेहतर है ना, रेट भी मुनासिब और खाने में टेस्ट सही हो, वो हमें ना 1-2 KG दे देगा। हाँ ये चक्कर अब समझ आए। ये देखो ये चक्कर दान नजर आ रहे हद है यार, इतना लेट करवा दिया नाश्ता। मैंने करवाया दे दिया। और मैंने लेट हूँ ना, बोलो ना क्या हुआ? दही दही खाई थी कि जमाई थी? और चल चल यार, मर्दों का हाथ डांडा होता है। चल अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। इस व्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं कर रहा हूँ। आज आपको बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि आज होने वाला है प्रैंक। अभी मजा आएगा ना। इधर आओ, ये मेरे से प्रैंक करती है ना। अभी ये सोई हुई है, बच्चों को स्कूल इसने भिजवा दिया, उसके बाद ये सो गई। अबे कुकड़ुकड़ो तू तो चुप कर जा यार। इसके साथ करने वाले प्रैंक। प्रैंक कौन सा? मैं लेके आया हूँ दही खाने के लिए। ये सोई हुई है, मैं दही खाऊंगा लेकिन 1 चम्मच के अंदर मैं आटा डालूंगा और इसके मुंह में ठूस दूंगा। ये सोचिए से पता नहीं चलेगा, बहुत मजा आने वाला है। अगर इस चैनल के ऊपर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हमारे साथ जुड़े रहना, जाना कहीं नहीं, वीडियो को एंजॉय करना है आपने, ठीक है? तो अभी चलते हैं उधर दूसरे कमरे में, देखते हैं क्या सीन है। इधर तलावत लगाई है इसने, तलावत चल रही है। और ये इधर मैंने दही डाला हुआ है। दही मुझे आज खाने का मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो दही खाते हैं शक्कर डाल के। अभी प्रोग्राम खराब करने लगो, ठीक है? अभी बड़े आराम से नींदों में सपनों की दुनिया में गई हुई है, लेकिन मैं अभी प्रोग्राम खराब करने वाला। आटा किधर है? आटा किधर है? आटा हाँ ये मिल गया। आटा लेंगे 2 चम्मच लेंगे। 1 चम्मच मैं अपने लिए वेट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए 1 चम्मच लेंगे। आज बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे साथ करते ना प्रैंक, इसे पता चलेगा बड़ों के साथ प्रैंक नहीं करते। आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, वीडियो को लाइक करना है। सजावट 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 अजीजा, सजावट 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 सजावट। अच्छा अच्छा, तकी बाबू सोया हुआ है, अजीजा भी सोई हुई है, तो हम लोग कर रहे हैं इधर नाश्ता, वो भी दही के साथ। मलाई मलाई नहीं खाना, बहुत मजे गए। ऐसे आप लोग भी अपनी बेगमों की खिदमत किया करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करती है, थक जाती है, सारा दिन हमारे बच्चों को संभालती है। देखिए मलाई मलाई बोल आखिरी ले रहे नहीं है मलाई। कैसा लगा मेरा मजाक? मोए 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 प्रैंक। आटा क्या कर रही है? आटा कच्चा खा लेना। अच्छा बोल रहे थे प्रैंक किया, आज इसकी बारी आ गई। मैंने कहा कुछ होना चाहिए भाई साहब, कुछ होना चाहिए। आटा तो गूंथी नहीं, खा ले यार। बहुत मजा आने वाला है, अभी और भी इसके साथ प्रैंक होगा। आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हो गए यार। क्या मतलब गंदे हमारे साथ प्रैंक सादू के साथ शादियां करती है तुम्हें, इसमें हमने तेरे को पूछ लिया है। मोए मोए ऐसे इधर होता है यार, तुम चीटर। क्या हुआ? इतमाद में लेके फिर मारना चाहिए। मैंने 2-3 चम्मच मैंने खिलाए दही के, इसे बहुत मजा आया शक्कर के साथ। इसे बोला वाह क्या बात है, बहुत ही मजेदार, खुशगवार, गले की रात का नया एहसास। उसके बाद अपू ने बोला अब आइए इतमाद में, अब इसे आटा खिला देना चाहिए। मुझे बड़ा कह रही थी मेरे तो करना प्रैंक, अपू ने बोला अपू ऐसा प्रैंक करेगा तकी बाबू हमारा जाग गया। कैसा लगा मेरा प्रैंक? मोए 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 मो जाओ, बदतमीज आदमी हो तुम, सारा कीचड़ हो गया मुंह में, तो जाओ कुल्ली करो जाओ। वैसे एक काम तुमने खराब किया यार, तुमने कैमरे के ऊपर फूंक गया। मैं तेरा मुंह तक करना सी फूंक, बच गया। कैमरे में फूंक गया, कैमरा ब्लर हो गया। 1000 years later. सो गाइज आज आखिरकार मुझ पर भी प्रैंक हो गया। मैंने बहुत प्रैंक किया था, मैंने सोचा नहीं था इस बंदे ने मेरे पे प्रैंक करना है। हमारे साथ प्रैंक करोगी ना, शरीफ बन के खड़े हुए नहीं, हमारे साथ प्रैंक करोगी ऐसे ही होगा। ये तो भी कुछ भी नहीं है, हमारे साथ प्रैंक तुमने छोड़े नहीं, इसे बड़े बड़े प्रैंक मैं करूंगा, समझी? ओ चलो चलो, इतने भी प्रैंक कोई नहीं है, आटा ही तो दिया था, आटा मैंने फिर देखा। एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो मेरी, मैंने पहले ये समझा था। क्या बात? चलो अच्छा चल रही है। अच्छा
अच्छा जा रहे। अच्छा मैंने पहले ये सोचा कि क्यों ना नमक दो तुम्हें, ठीक है, ऐसे भर के। फिर मैंने बोला नहीं यार, नमक नमक देते ना बचते बच्चू, तुम मेरा बीपी आई होना था हाई को लो। मैंने आपको मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ना खराब हुई, मैंने बोला चलो आटा दे, आटे का क्या मजा आया। मैं भूल गया था, सही है ना, इसमें कौन सी बात है, आटा तुम गूंथती नहीं हो, ऐसे खाओ। अच्छा चलो, मैं ज्यादा रिएक्शन दूंगी नहीं, क्योंकि ना इन्होंने भी इतना खास रिएक्शन नहीं दिया था, तो मैं जो है ना चलो माफ किया। नेक्स्ट टाइम जरा प्रैंक तमीज के साथ, तमीज के दायरे में मैं भी सोचूंगी प्रैंक इनके ऊपर क्या करना है, मगर आप लोग ना मेरी हेल्प करना, आप लोग कमेंट में मुझे बताना क्या है भाई, तुम बोल लो। वो कह रहा बाहर चलो, बाहर चलो। तो जनाब नोजी साफ करा, नोजी नहीं साफ करा था। अच्छा जनाब, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है अच्छे अच्छे टिकाऊ प्रैंक जो मैं इनके ऊपर करूँ, उनकी बैंड बजा दूँ, ठीक है। आप लोग जरूर प्रैंक भाई, चलो सब्जी लेने मैंने काम पे जाना, जल्दी आ जाओ। लो जी इधर तो वो है भाई, नखरे हैं लोगों के भाई, चलो चलो आ रहे हैं भाई। चलो जनाब चलते हैं सब्जी मंडी, तुम लोगों को दिखाते हैं रंग बिरंगी सब्जियां। चलो फिर सब्जी मार्केट आ गया जी, सब्जी लेने के लिए, मछली लेनी है जी इधर, ये सब्जी भाई क्या है आपके, ठीक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार दो क्या चाहिए, देखो अच्छा नींबू दे दे, ये वाला लहसुन ले ले, ज्यादा आसानी होती है, चलो ले। अरे वो बहुत है, अभी चलेंगे हम लोग फ्रेश मछली लेने के लिए, ठीक है। समंदर के किनारे पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फ्रेश इधर ही ले रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं मछली की शॉप पे, बिल्कुल वही कह रहे हैं फ्रेश माल आया आज ही ना, देखो जरा भाई जरा इनके बारे में डिटेल तो देखिए, क्या क्या नाम है इनके, जरा ना ये तो बता दे रहे। ये कौन सी है बड़े वाली, ये मुल्ला मछली है। हाँ मुल्ला मुल्ला मुल्ला, ये रामा से रेड स्नैपर है। अच्छा दंडिया है, सारा में कुंड है, मुश्का है, चकोरी है और गींगड़ा है। गींगड़ा, चलो इनमें से भाई जो कोई बेहतर है ना, रेट भी मुनासिब और खाने में टेस्ट सही हो, वो हमें एक दो के जी दे देगा। पापलेट वो धोखे है ना, पापलेट के ऊपर वो चप्पल दे के पापलेट के, हम लोगों को बड़ा धोखा मिला था यार, चपली मछली दे रही और बोलते पापलेट वहाँ वाले। चलो दो जी, जो आपको बेहतर लगती है, रेट भी मुनासिब हो और खाने में टेस्ट बेहतर हो रहा, दो के जी तक कर दो, डेढ़ दो के जी जितने भी हो। ये ले ले मुश्किल अच्छी रहेगी, 500 रुपए किलो, आप 450 रुपए से कांटे कम है, इससे थोड़ा ऊपर हो जाए, थोड़ा ऊपर हो जाए सर। और इससे ये कौन है, ये लेके जाते हैं, इसके अलावा इसके अलावा सारा में, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। दंडिया है, दंडिया 900 रुपए ही अच्छी है, दंडिया 800 रुपए, बस 800 लगाओ, ये दो के पीस करो जी। लो जी 800 रुपए पर केजी, 900 बोल रहे थे हम लोगों ने, 800 रुपए पर केजी कर ली है, 1300 की। हां बस ये ठीक हो गए, डन हो गए ये, हमने कौन सी नाम देखा, अच्छा ऊपर करना जरा। अच्छा ये थोड़ा सा बताओ अभी फ्रेश मछली का क्या कोई मतलब तरीका कार्य, पता दुकानदार के ऊपर है, आपको चीज सही देंगे, आप दोबारा भी सही। आपके भी अब्बू वगैरह तो उनसे हम लेके जाए, अब्बू का भैया जो भी उनसे लेके जाते थे हम लोग ना। अच्छा तो सही है, ठीक है। अच्छा वो किस तरह की बनानी हुई बता देना, बस पीसेस कर देंगे। क्या नाम है इसका दोस्त, दंडिया, दंडिया, आज हम दंडिया खाएंगे दांतों के साथ, इसके दांत भी हैं, वो दांत इसीलिए मेरा कलर का नाम दे। हाँ, ये चेक कर, अब समझ आई, देखो ये चेक कर, दांत नजर आ रहे, नाम इसका दंडिया, दांतों वाली मछली खा रहे हैं आज, अब पता चलेगा। पहले हम लोग ये वाली लेके जाते, इसका क्या नाम था, कुंद, ये पहले ये खाते, इसका टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन आज ये वाली लेके जा रहे हैं, देखो टेस्ट कैसा पता चल जाएगा। तो और कुछ लेना या बस यही है, क्या सब्जी लेनी है बगीचे की, चलो ठीक है, ताजी सब्जी भी लेनी है, वो भी सब्जी मंडी में आए हैं, इधर से लेके जाएंगे। कम करेगा भाई, ना रेट है, चलो 150 की है। हां 150 की किलो, 150 की किलो, 1 किलो गोभी कर दो, 1 किलो गोभी कर लो। अच्छा देखना इसमें कोई कीड़े मेड़े नहीं होना जाने। और क्या लेना जीरा, और मेथी भी बड़ी प्यारी है यार, मेथी भी ले लो एक कट्टी, मेथी मेथी कैसे दे रहा है, मेथी 30 रुपए पाव किलो, 30 रुपए पाव एक किलो, सो आधा किलो मेथी कर दे, सही है ना, आधा किलो मेथी, दिल तो करा सब कुछ ले लो, क्या दिल तो करा सब कुछ ले लो, क्या जाके बनानी है तुमने, मछली बना, ये भी ले लो, ये 3-4 के ये दे देना बैंगन, आधा किलो काफी है। सब्जी माशाल्लाह फ्रेश है बिल्कुल, बगीचे की सब्जी समझो, खेतों से सीधा इधर ही आ गई, मंडी शंडी से नहीं लेके आते, मंडी से नहीं लाते बगीचे से सब्जी, ये आधा किलो ये भी कर दो। 1000 years later, लते आज तो मशीन लगा दी है, आज तो फुल काम ही बनी हुई है, और ये हमारे तकी को कह रहा है कि भाई मुझे वॉकर से निकाल दो भी और चलता हूँ, तो क्या हो गया भाई, क्या क्या हो गया, क्या आज तो फुल काम ही बनी हो, म्यूट पे चली गई हूं, म्यूट पे, चलो चलो जल्दी करो। तो गाइस नाश्ते वगैरह कर लिए हम लोगों ने, आज मैंने खोला है घर में धोबी गार्ड, जो मुझे धोने पड़ेंगे कपड़े रगड़ रगड़ के, और ये लौंडा जो है ये जा रहा है, जा रहे हो काम पे,
अबे हद है यार, इतना लेट करवा दिया नाश्ता, मैंने तो करवाया दे दिया। और मैंने लेट हुआ, एक तो खुशी मना लो कि मैंने नाश्ता करवा के भेज दिया। नहीं हाँ, वो सुबह वो जो शक्कर वाला दही खाया था उसी में जाते ना पता चलता। फिर चलो तुमने नाश्ता करवाया, थैंक यू सो मच। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, बाहर का मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अभी मैं निकल रहा हूँ। ओके टाटा बाय। हाँ मछली तो मछली आएगी, मैंने कल बना ली। क्यों? हाँ आज बना रहा, मेथी वगैरह बना रहा, सब्जी वगैरह बनाऊंगा। ओए बात तो सुनो, अभी आप जा रहे हो, मुझको बहुत काम है और मैंने भी करना है। टाटा बाय बाय। तो आप भी टाटा बाय बाय करो, कहना हम ब्लॉग को करने लगे यहीं पे एंड। ये ब्लॉग छोटा सा है मगर मजेदार है। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बोलो ना आज क्या हुआ, दही खाई थी कि जमाई थी? और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर आपको बहुत मजे मजे के ब्लॉग और अच्छे अच्छे शॉर्ट ब्लॉग भी मिलने वाले हैं। और इस बंदे पे मैं प्रैंक करूंगी, मेरी वादा है। चल यार, मर्दों का हाथ डांडा होता है। चल प्रैंक करेगी, चलें जी। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।